हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल ईवी मॉन्ग पर। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं हम एक गाड़ी में बैठे हैं, तो ये भी एक ईवी ही है। और आज ये पेशकश हम आपके लिए लेके आए हैं आपको रूबरू कराने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल से। इसकी क्लेम इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है और आपको कोई भी रेंज एंग्जाइटी रही नहीं रहेगी इस इलेक्ट्रिक कार को लेके। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको। थोड़ा आप देख सकते हैं, आप गैस करिए ये कौन सी गाड़ी है जिसकी सबसे ज़्यादा रेंज है इंडस्ट्री में, इस सेगमेंट में, किसी भी सेगमेंट में फॉर दैट मैटर। तो दोस्तों, आज की पेशकश है आपके सामने, ये है बाइट की E6 मॉडल, जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने है। इसमें आपको बैजिंग मिल जाती है आगे बाइट की, और आगे आपको DRL हेडलाइट्स मिल जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं वाइट कलर में है, और साइड में इसके जो आप देख सकते हैं आपको रियर मिरर में आपको इंडिकेटर मिल जाता है, और इसकी फिनिशिंग वाह इस टाइप की है। कुछ आपको इसकी लुक जो है पूरी इनोवा जैसी आपको लगेगी। फुल 5 सीटर कार है ये, और पीछे आप देख सकते हैं इसमें जो पीछे इंडिकेटर्स हैं वो इस टाइप के हैं। पीछे आपको बाइट की आपको बैजिंग मिल जाएगी, पीछे आपको ये मिल जाएगा आपको, और वाइपर मिल जाएंगे पीछे आपको। पीछे जो आपको इसके साथ में कैमरा भी मिल जाते हैं, और इसमें आपको मॉडल का E6 का बैजिंग मिल जाती है। तो दोस्तों, ये है कुछ इसकी लुक, जिसको आप देख के आपको लगेगा कि एक इनोवा ही खड़ी है, पर ये एक इलेक्ट्रिक कार है। और इंडिया की जिस तरह ये क्लेम करते हैं, इंडिया फर्स्ट प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV, और इसकी रेंज मैं आपको बताना चाहूँगा, 500 किलोमीटर है सिंगल चार्ज पे। तो आप इसको दिल्ली से अपने या किसी भी सिटी से, अगर आप हैं तो आसपास, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, बिना किसी एंग्जाइटी के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप वन सिटी टू अनदर सिटी ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब आपकी जो रेंज एंग्जाइटी है वो भी आपकी दूर हो जाएगी ये गाड़ी को लेके, अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो। तो चलिए दोस्तों, अब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है अंदर इसके फीचर्स। अंदर चलने से पहले दोस्तों, मैं आपको दिखाया था उसके टायर साइज़ 17 इंची का है, जैसा कि आप देख सकते हैं 215/55/R17 का इसका टायर साइज़ है, जो कि आपको मिल जाते हैं यांग कंपनी के। और चलिए दोस्तों, अब अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर इसके आपको क्या क्या मिलता है। अंदर पूरा इसका ब्लैक इंटीरियर है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको मिलेगा आपको पूरा ये कंसोल, जो कि पूरा रोटेट हो जाएगा जस्ट लाइक टेस्ला। और इसके अंदर आप सब कुछ अपना फ़ोन अटैच करके, आप रेडियो, FM, एनीथिंग, NGPS कंट्रोल सब इसके अंदर है। बाकी एयर कंडीशनिंग के ये 2 स्लॉट्स यहाँ पे, एक साइड में और एक राइट साइड में, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका स्टार्ट स्टॉप बटन बटन है, और इसके बाद यहाँ पे आप अपना कोई भी पर्स या मोबाइल रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे AC के फंक्शंस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पार्किंग का ये है। आपको इसमें बेसिक सारी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स होंगे, मिरर्स के कंट्रोल्स मिलेंगे, 2 टाइम टैप ओपनिंग डोर होगा, आपको 2 बार उसको खोलना पड़ेगा तभी ओपन होगा। स्टीयरिंग माउंटेड आपको इसमें मोड्स मिलते हैं, आप इसको म्यूजिक सिस्टम, वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ से करते हैं, आप फ़ोन कट एंड पिक यहाँ से कर सकते हैं, आप ड्राइविंग के वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे इंडिकेटर दिए गए हैं, राइट हैंड साइड पे इस पे रियर वाइपर भी आता है इसके अंदर, इसका यूज़ यहाँ से होता है, और फ्रंट वाइपर तो ऑब्वियसली सभी कार्स में आता है। अगर आप इसके मीटर्स में देखें, आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपकी
कार कितनी चल सकती है, लाइक अभी 89% चार्ज है, सो ये 446 किलोमीटर चल सकती है। एक ही मूड रहेगा, इकोनॉमिक ही रहेगा, बट इसके इकोनॉमी में आपको एसी का इफेक्ट बेटर रहेगा, क्योंकि ये इसका जो एसी है वो बैटरी कूल्ड है, मतलब उसमें लिक्विड आता है। ये स्टैंडर्ड मूड रहेगा, स्टैंडर्ड में आएगा रीजनरेशन। रीजनरेशन आप इसको हाई भी कर सकते हो लार्ज पे, और इसको आप स्टैंडर्ड पे भी कर सकते हो। जब भी आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा। सो स्टैंडर्ड सिटी में रहेगा रीजनरेशन, और लार्ज इसका हाईवेज पे रहेगा। बट इसका जो रीजनरेशन है बहुत रिजिड नहीं है, जो कुछ कार्स में आता है। सो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में किलोवाट्स कंज्यूमिंग है, जब आप ड्राइव करोगे तो कितना किलोवाट आप कंज्यूम कर रहे हो। जब आपकी गाड़ी में रीजन होगा तो ये माइनस में आएगा, लाइक -100 तक आता है, तो माइनस दिखाएगा कि कितना माइनस हो रहा है। रीजनरेशन रेस छोड़ने के बाद भी होगा और ब्रेकिंग के बाद भी होगा। जब इसके आप सेंटर में आते हो तो आप एक म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, 10 इंच का, 11 इंच का म्यूजिक सिस्टम है, जिसको आप मैनुअली रोटेट भी कर सकते हो। जस्ट लाइक टेस्ला। हाँ जी, टेस्ला की तरह आप रोटेट कर सकते हो। सारा टच स्क्रीन रहेगा इसके अंदर, म्यूजिक टच स्क्रीन रहेगा, एसी भी इसका। अगर आपको सेटिंग्स पूरी करना चाहते हैं तो इस पे बाइफिकेशन पूरी है, इमरजेंसी के बेस पे अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते तो यहाँ पे ऑटो और ऑन और ऑफ का बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है। फ्रंट डिफॉग का बटन मिल जाता है यहाँ पे, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है, वॉल्यूम कंट्रोल का बटन मिल जाता है, हैजर्ड का बटन मिल जाता है। ये लार्ज एंड स्टैंडर्ड दो जगह रीजनरेशन मिल जाता है। ड्राइविंग मोड आप इस गियर नॉब से कर सकते हो, लाइक अभी पार्किंग पे है, ब्रेक प्रेस करेंगे, दिस इज रिवर्स, रिवर्स में आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। न्यूट्रल पे गाड़ी न्यूट्रल रहेगी, ड्राइव पे इसका आपका ड्राइव मोड आ जाएगा, ड्राइव मोड इसका सिंगल रहेगा, और इसको प्रेस करने के बाद गाड़ी अपने आप देखिए पी इसका चमक जाता है। सो ये हैंड ब्रेक पे आ जाएगी, ये इसका मैनुअल हैंड ब्रेक है, आप न्यूट्रल पे रख के हैंड ब्रेक भी पुश कर सकते हो। दो बड़े कप होल्डर्स मिल जाते हैं, की रखने की जगह मिल जाती है। जब आप इसका आर्मरेस्ट ओपन करते हो तो आपको एक अच्छा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, जिसमें दो चार्जर्स और एक 12 वोल्ट का चार्जर स्विच मिल जाता है। छोटा मोटा सामान रखने की भी जी हाँ, जगह। ये एक आर्मरेस्ट मिलता है विद सॉफ्ट टच। सो म्यूजिक सिस्टम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें मेरे यूट्यूब्स वगैरह चलेंगे, या मैप चलेगा या नहीं चलेगा। इसके अंदर आपको सब मिल जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। जैसे आप इसमें देखिए मैप्स हैं, विदमेट है, यूट्यूब है, ब्लूटूथ है, इमेजेस अपनी डाल सकते हो आप। सेटिंग्स में जाके आप एसी की सेटिंग, ड्राइव की सेटिंग, लाइट्स की सेटिंग्स, ये सब आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। सो आप अपनी गाड़ी को ना काफ़ी हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मूड। सो ये बहुत अच्छा है BYD के अंदर। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, जनरली लेफ्ट हैंड साइड पे ही आता है, बट इसमें आपको राइट साइड में भी मिल जाएगा, और एक आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी वैनिटी मिरर मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर फोर एयर बैग्स आते हैं, बड़े बलून्स आते हैं, फ्रंट एयर बैग तो दो यहाँ पे होते हैं, और इसमें साइड एयर बैग्स भी मिल जाते हैं। इसके अंदर टोटल चार एयर बैग्स रहेंगे। डैशबोर्ड में ये पियानो फिनिश डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, स्ट्रांग रहेगा। और इसके अंदर ये एसी वेंट्स आते हैं, यहाँ पे आप देखोगे बिल्ड योर ड्रीम्स, BYD की फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स। सो ये भी एक इनका BYD डिज़ाइन के नाम से इनका है, तो यहाँ पे पूरा डिज़ाइन इनका है। एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एसी वेंट्स में सबसे खास बात है आगे की तरफ नहीं रहते, सो आप अपने हैंड्स पे, स्टेयरिंग पे और आपके फेस पे बहुत अच्छी एयर आती है, और एयर को आप प्लस माइनस यहीं टच से ही कर सकते हैं, लाइक देखिए। सो ये जो आप लीव्स देख रहे हैं, ये इंटरनल प्योरिफिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो आपका PM2.5 वाला होता है, तो इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन होता है। जैसे वो एयर प्योरीफायर हम अलग से लेते हैं घर के हाँ, लिए। बट इसमें आपको सिर्फ एयर फिल्टर चेंज कराना है, ठीक है। सर्विस कार की होगी आपकी 12,000 किलोमीटर्स पे, उस पे ये फिल्टर्स भी चेंज हो जाते हैं। जो लिक्विड कूल बैटरी है और लिक्विड कूल एसी यूनिट है, उसके अंदर वो भी चेंज हो जाते हैं। तो हमारी जो 12,000 किलोमीटर पे जो सर्विस कॉस्ट आती है, वो लगभग 4,000 रुपये मैक्सिमम साइड पे आती है, 4 साढ़े 4,000 हम बोल के चलते हैं। तो इसमें ऑल इन ऑल कुछ नहीं है, 70 किलोवाट्स की बैटरी है, जो कि आपको ऑन एक्चुअल 500 किलोमीटर की रेंज देती है। सो आपको 500 किलोमीटर 500 रुपये में 500 किलोमीटर चलती है, 1 रुपया पर किलोमीटर जो है इसका रनिंग कॉस्ट आता है।
इस गाड़ी की और खासियत है, इसमें आपको बूट स्पेस के साथ रियर लेग स्पेस भी बहुत मिलेगा। अभी आप अगर अपनी सीट्स को पूरा पीछे कर लीजिए, ठीक है, और अभी हम आपको पीछे बैठ के दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा आपको रियर स्पेस मिलेगा। आफ्टर पूरी पीछे करने के बावजूद भी आपको लेग स्पेस बहुत बेटर मिलता है, लेग स्पेस आपका बहुत बेटर। इसको एडजस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा, अगर आप दूसरी साइड जाएंगे स्पेस के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है तो आपको बहुत एम्पल स्पेस मिलेगा, इतना स्पेस आपको किसी में नहीं मिलेगा। सीटें पूरी पीछे कर रखी हैं फिर भी सीट ये वाली पूरी पीछे कर रखी है, ये भी काफी हद तक पीछे है, पूरी मतलब पीछे कर तो आपको बहुत अच्छा स्पेस मिलेगा। पीछे 3 पर्सन बहुत आराम से बैठ जाते हैं इस कार के अंदर। रियर रियर पैसेंजर के लिए आपको रियर एसी वेंट्स मिलेंगे, राइट, आपको 2 चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे नीचे यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल रियर जाएं तो आपको मैं आप टूट से इसमें आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा, बिकॉज इस कार की जो मेन यूएसपी है स्पेस भी है, यहाँ पे बीवाईडी ने स्पेस भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको मिलेगा बीवाईडी लोगो, वाइपर, डिफॉगर, इमरजेंसी लाइट, सेक्शन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इसमें आपको 580 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा जो भी काफी स्पेशियस रहेगा, राइट। यहाँ पे आपको टायर मिलेगा और किट मिलेगी, तो इसका बूट स्पेस बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक आपको आर्मरेस्ट टाइप मिलता है क्योंकि 7 सीटर में ऑल बाहर आती है इंडिया से, बट यहाँ पे 5 सीटर है, इंडिया में 5 सीटर है, इंडिया में 5 सीटर ही आएगी। ओके, तो इसको लॉक करने के लिए काफी हैवी है, शॉकर्ड है इसमें। सो अगर आप साइड प्रोफाइल में आए तो आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे चारों तरफ, या बीवाईडी डिजाइन के पास एक लॉक दिया हुआ है, इसको आप लॉक करेंगे तो ये शॉकर्ड आपको मिलेगा इसके अंदर, आपको मैनुअल नहीं मिलेगा। ये मोटर, डीसी मोटर, कन्वर्टर्स, एसी सब इसी के अंदर है, बहुत साइलेंट रहता है, बीवाईडी डिजाइंड है ये, सो खुद बीवाईडी का ही है। ये जो मोटर सिस्टम है अब सिट्रॉन की नई कार में भी बीवाईडी की मोटर्स आ रही हैं, सो जो नई आ रही है उनकी भी। सो इसके अंदर सबसे बेस्ट इन द क्लास ये है कि इसमें एसी ट्रिप नहीं मारता, उसका रीज़न है जो बैटरी का कूलेंट है वो डिफरेंट है, जो एसी का कूलेंट सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपका बार बार ट्रिप नहीं करता एसी, इसमें एसी की कोई कंप्लेंट नहीं है। बीवाईडी की वैसे एटो 3 में भी कोई एज सच कंप्लेंट नहीं है। सो ये पूरा इसका यूनिट आएगा, बड़ा बड़ा स्पेशियस है, और ये थोड़ा बस फैन की बात है, एम्पल स्पेस है, नहीं क्रैम्प नहीं है। तो ये बहुत स्पेशियस है और लुक भी बहुत अच्छी है इसकी, बहुत आई कैचिंग लुक है। इसमें DRLs आती हैं यहाँ पे, ये हाँ ये DRLs हैं, अभी क्योंकि दिन है तो पता नहीं चल पाएगा, ये प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आती हैं। एक्चुअली कोई भी EV कार्स हैं उसके अंदर फॉग लाइट नहीं आती, जो भी लाइट्स का काम है, जो भी फॉग लाइट्स का काम है वो यही लाइट आपका पूरा कर देती है। सो इसमें बहुत बेटर रहता है, पूरी एरोडायनामिक शेप है गाड़ी के अंदर, अगर ओवरऑल लुक करें आप बहुत बहुत प्यारी इसकी लुक है। ये LED इंडिकेटर्स मिलते हैं इसको, बहुत प्यारे लगते हैं ये भी, अगर आप इंटीरियर देखें बहुत सिंपल सोवर, बहुत बेटर इंटीरियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बाइट की E6 आज चला के देखते हैं किस तरीके से इसका ऑपरेशन है। तो दोस्तों पहले मैं दबाऊंगा ब्रेक, उसके बाद हम इसको ड्राइव मोड सेलेक्ट करेंगे इसका, अभी न्यूट्रल में आ गया है, अब इसको वापस दबा घुमा के ड्राइव मोड पे आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे D लिखा हुआ आ गया। तो अब हम वी आर रेडी टू गो। सो जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे पास E2O प्लस है, उसमें भी यही सिस्टम है, गाड़ी तो हम फॉरवर्ड डालते हैं और गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही इसमें भी सिस्टम है कि हमने ड्राइव मोड पे डाली गाड़ी और गाड़ी जो है एक सर्टेन स्पीड पे गाड़ी जो है चलना स्टार्ट हो गई है, और उसके बाद अगर हमको स्पीड बढ़ानी है तो हम स्पीड बढ़ा के
इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सेम वही जो ईवी कार का एक हमको बेनिफिट है कि इंजन तो नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है, खाली एसी नॉइज़ जो कि इसमें एकदम नॉर्मल मिनिमम है, और एक हमारी नॉइज़ और एक एफएम की नॉइज़ होगी आपको। तो यू कैन सी द ड्राइव वेरी कंफर्टेबल, वेरी पीसफुल, एंड यू जस्ट हैव टू कीप योर फुट ऑन द एक्सेलेटर एंड द ब्रेक्स एंड दैट्स इट, यू आर ऑन योर वे फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन दिस बाइट E6 दैट वी हैव टूडे ऑन दिस शो फॉर यू। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजिंग की। इसकी प्राइजिंग जो है एक्स शोरूम 29,15,000 रुपये है, 29,15,000। इस पर आपको जो भी आपका रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस का जो चार्ज है वो लगेगा, और आपको अगर यूपी में हैं तो आपको यूपी में इसके ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी 1,00,000 की मिल जाती है, और इस RTOs में नो RTO चार्जेस, ओनली इंश्योरेंस विल बी एप्लीकेबल एंड दैट्स इट। दिस E6 विल बी अवेलेबल टू यू ऑन इजी फिनेंस ऑप्शंस अवेलेबल फ्रॉम द कंपनी और whichever bank you are comfortable. तो फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कार को लेने में तो आप इसको कार की आप टेस्ट राइड भी ले सकते हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इसके लिंक में आपको इनका जो शोरूम का एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल दूंगा, आप वहां पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसकी टेस्ट राइड लेके आप प्रोसेस आगे इसको और आगे प्रोसेस लेके जाके आप इसको गाड़ी को परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी पेशकश? तो आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर इसको लाइक करिए और इसको शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको मैं आने वाले वीडियोस में ऐसी और अच्छी EVs आपके लिए लेके आऊँ जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी अगली परचेज के लिए। फ्रेंड्स आर मिशन इज़ नो एमिशन, सो वी विल गो फॉर ओनली EVs ऑन दिस चैनल, एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू बाई इलेक्ट्रिक कार्स, टू व्हीलर्स और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वेयर योर सीट बेल्ट्स एंड ड्राइव सेफ। बाय बाय।